मूवी शुरू होती है तान्या की बंटी से शादी के लिए प्रपोज करने से, पर बंटी तो अरे ना जी ना, क्योंकि शादी तो है प्यार का दी एंड। क्योंकि बंटी के पेरेंट्स कृष्ण और माला हमेशा लड़ते ही रहते हैं। एक तरफ कृष्ण है जो अपने रेस्टोरेंट बॉलीवुड कैफ़े के लिए खाना खरीदने में भी बचत करता है, और वहीं उसकी वाइफ है माला जो कि सारे पैसे उड़ा देती है। छोटी मोटी शॉपिंग तो हो गई, अब असली शॉपिंग कल करेंगे। अभी घर जाते जाते 2.5 लाख की ड्रेस का भी सत्यानाश, और ये फिर से झगड़ा शुरू। तान्या ले जाती है बंटी को अपने दादाजी के पास ताकि वो बंटी को बता सकें कि शादी करना कितना ज़रूरी है, पर दादाजी तो फिजिक्स ही पढ़ाने लगे। कहते हैं कि अगर हम पास्ट को अपनी मेमोरी में देख सकते हैं तो हम उसमें जा भी सकते हैं। कैसे? टाइम मशीन बना के। टाइम मशीन कैसे बनेगी किसी को नहीं पता, पर जा सकते हैं। दादाजी भाषण देने के बाद कहते हैं कि कल रात 12 बजे से पहले मुझे सोचकर बता देना, ठीक है, कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं। पर इनके पास तो सोचने का भी टाइम नहीं है क्योंकि कल इनके मम्मी पापा की 35th एनिवर्सरी है, और उस 35th एनिवर्सरी पर ही झगड़ा हो गया मूवी के विलन की वजह से, जिसका नाम है कुंदन लाल। सिंगर हैं, दो आवाज़ों में गाते हैं, मेल एंड फीमेल। कृष्ण और माला जिस तरीके से अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं उनसे तो यही लगता है कि अब इनको डिवोर्स होने वाला है। पर बंटी कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। तो वो जब ही दादाजी के पास जाता है, उनकी टाइम मशीन में बैठता है, उनके दादाजी मना करते हैं कि ये रेड वाला बटन मत दबाना, पर बंटी फिर भी वो बटन दबा देता है क्योंकि उसे पास्ट में जाना था सब कुछ ठीक करने के लिए। वो बटन दबाते ही मशीन चालू हो जाती है, बंटी पास्ट में चला जाता है। पास्ट में जाने के बाद बंटी सबसे पहले मिलता है अपने दादाजी से, जो कि कुंदन लाल यानी कि मूवी का जो विलन है उसको डांट फटका रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके गमले तोड़ दिए। पर वहीं पे आ जाती हैं बंटी की नानी, जिससे कि बंटी के दादाजी काफ़ी डरते थे। फिर फाइनली एंट्री होती है कृष्ण की यानी कि बंटी के पापा की, और हमें पता चलता है कि शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा सीध हैं, अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो लल्लू टाइप हैं। उसके बाद माला यानी कि अपनी मम्मी से मिलने के बाद वो फाइनली मिलते हैं दादाजी से, पास्ट वाले दादाजी से, और उन्हें बता देते हैं कि ये जो मशीन है उन्हें ठीक कर दो प्लीज़, और उनसे कुछ पैसे भी उधार ले लेते हैं क्योंकि दादाजी इज़ अ रिच मैन इफ़ यू डोंट नो। बंटी के दादाजी बंटी के पापा को घर खर्च के लिए 10 रुपये देते हैं और कहते हैं कि मेरी गैर हाजिरी में गुलाब के पौधों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। माला और कुंदन मिलकर कृष्ण के 10 रुपये ले लेते हैं, उसे एम्बेरस भी कर देते हैं, और साथ के साथ गुलाब का पौधा भी टूट गया। फिर जब बाबूजी घर पर आते हैं तो वो भी कृष्ण को डांटते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं कि जब तक तू मेरे 10 रुपये नहीं लाएगा तब तक घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। अगले 24 घंटे में अगर तू पैसे लेकर नहीं आया तो मैं तुम्हें बेचकर वसूल करूंगा पैसे। लेकिन बाबूजी मुझे खरीदेगा कौन? चुप। कृष्ण भैया जी की जिंदगी तो बेकार सी हो रखी है। तभी एंट्री होती है बंटी की, जो कि कृष्ण को 10 रुपये देता है और कहता है कि आपको मेरा एक काम करना होगा। कृष्ण पूछता है क्या, तो वो कहता है कि आपको माला को अपने प्यार में गिराना होगा। तो कृष्ण कहता है कि नहीं नहीं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बंटी कृष्ण को बताता है कि उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई है कि अगर कृष्ण माला को इम्प्रेस कर देता है या फिर प्रपोज कर देता है तो बंटी के दोस्त उसे 10,000 रुपये देंगे, जिसमें से 5,000 कृष्ण के और 5,000 बंटी के। तो इसलिए वो अपने रेस्टोरेंट को थोड़ा मॉडर्न भी बना देता है और बंटी कृष्ण को फिर से प्यूबर्टी की स्टेज पर ले जाता है। यही सेम बात कृष्ण माला को बताता है कि उसके दोस्तों ने बोला है कि अगर माला मॉडलिंग करती है तो उसे 10,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 10,000 माला के और 10,000 बंटी के। सॉन्ग के बाद कृष्ण को भी माला के लिए फीलिंग्स आने लगती है, तो माला बंटी से कहती है कि अगर कृष्ण सबके सामने आकर मेरा हाथ पकड़ता है तो मैं उससे शादी करने के लिए मान जाऊंगी। बंटी जैसे तैसे कृष्ण को मनाता है कि तुम ये कर सकते हो, जरूर कर सकते हो, पर जैसे ही कृष्ण माला का हाथ पकड़ने वाला होता है और हाथ पकड़ता है वैसे ही उसे करंट लग जाता है, पता नहीं कैसा करंट पर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इन्हीं सबके बीच मूवी का विलन कुंदन भी माला के पीछे पड़ जाता है क्योंकि वो भी उसे अच्छे लगने लगती है। कृष्ण का माला का हाथ ना पकड़ पाने से बंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कृष्ण पर चिल्लाने भी लगता है, एक तौर से अपने पापा पर चिल्लाने लगता है, जिससे कि बाद में कृष्ण उसे बताता है कि बचपन से ही माँ के चले जाने के बाद उसे ही सारे घर की देखभाल करनी पड़ी और इसकी वजह से वो थोड़ा ऐसा ही है।
सो नाउ स्टार्ट किर्शन्स ट्रांसफॉर्मेशन। किर्शन के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद माला उससे बात करना चाहती है, पर किर्शन उसे इग्नोर करता रहता है, जिसे पुश एंड पुल टेक्निक भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हो रही थी उनके बीच कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए बंटी पुलिस वाले को कुछ पैसे देके मूवी के विलन कुंदन को जेल में 7 दिन के लिए अंदर करवा देता है। किर्शन भी माला से बात करना चाहता है, पर बंटी कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि माला तुम्हें पसंद करे तो तुम्हें ऐसे ही उसे इग्नोर करना होगा और उसे बताना होगा कि तुम्हारी अभी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, जब ही वो तुम्हारी इज्जत करेगी। तो ऐसे ही मूवी चलती रहती है और ऐसे ही धीरे धीरे माला को भी किर्शन पसंद आने लगता है। इन्हीं सब के बीच टाइम मशीन भी ठीक हो जाती है। अगले दिन किर्शन माला को प्रपोज करने जा ही रहा होता है कि तभी मूवी का विलन कुंदन भी वहाँ पर आ जाता है और गुस्से ही गुस्से में दोनों के बीच शर्त भी लग जाती है कि कौन ज़्यादा अच्छा गाना गा सकता है, और जो उस चैलेंज में जीतेगा उसी से ही माला शादी भी करेगी। बाद में किर्शन चीटिंग करके उस चैलेंज में भी जीत जाता है, क्योंकि प्यार और जंग में तो सब कुछ जायज़ होता है ना। माला किर्शन को हार पहनाने वाली होती है कि बंटी उसे रोक लेता है, क्योंकि गाना बंटी ही गा रहा था और अगर वो हार उसे पहना देती तो उसे पता चल जाता कि वो गाना किर्शन नहीं गा रहा था, बंटी गा रहा था। आगे चल के माला को जेलस करने के लिए बंटी बताता है कि किर्शन किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा है, और जब माला वहाँ पर जाती है तो किर्शन डांस कर रहा होता है किसी और लड़की के साथ। तो माला वहाँ से चली जाती है, मगर किर्शन उसके पीछे पीछे जाता है और बताता है कि वह और लड़की और कोई नहीं, उसी की दोस्त थी, माला की दोस्त थी, और माला को अपने दिल की बात बता देता है। और माला भी कहती है कि वो भी किर्शन को पसंद करती है। ये बात मूवी के विलन कुंदन को पता चल जाती है और वो माला और किर्शन के घर वाले को इन दोनों के रिश्ते के बारे में बता देता है, और वो दोनों ही लव मैरिज नहीं होने देते। तो ये दोनों भाग जाते हैं बंटी के साथ, और इनका पीछा मूवी का विलन कुंदन, माला के माँ और भाई, किर्शन के पापा कर रहे हैं। पूरा चेस सीन काफ़ी फनी होता है, और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप ज़रूर देखिएगा। हमने इसके ऊपर शॉर्ट भी बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये सब एक जगह पर आ जाते हैं और मूवी का विलेन कुंदन कहता है कि माला कोई सीधी सादी लड़की नहीं है, बल्कि ये तो गुंडी है। तभी किर्शन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चाटा मार देता है, और वो कहता है कि जाके माला से सॉरी बोलो। तब वो माला से सॉरी बोलता है, माला भी माफ़ कर देती है। तभी ये अपने माता पिता को भी बना देते हैं, और मूवी का एक तो से दी एंड हो जाता है, मतलब हैप्पी एंडिंग यहाँ तक। के बाद बंटी इन दोनों को छोड़ के जा रहा होता है इन दोनों की शादी के दिन ही, क्योंकि अगर ये अपने माता पिता की शादी के दिन ही वहाँ पर हुआ तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। बंटी टाइम मशीन से वापस से फ्यूचर में चला जाता है, यानी कि उसके प्रेजेंट में जहाँ से वह आया होता है, और वहाँ पर वो देखता है कि उसके पेरेंट्स अब खुश हैं और मूवी का विलन कुंदन भी सुधर चुका है। और तभी बंटी तानिया को भी शादी के लिए प्रपोज कर लेता है, क्योंकि वो भी जान चुका है कि शादी कोई मुसीबत नहीं है। सो मूवी खत्म। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और अब यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी थी। हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। बाय बाय टाटा, सी यू लेटर एंड आई लव यू।